कई लोगों की सोच ये है कि वाल्मीकि समाज के लोग, कई लोग बोलते हैं कि कर्मचारी काम नहीं करता है। आज अजमेर क्या पूरे राजस्थान के लोगों को पता पड़ रहा है कि वाल्मीकि धरने पर हम लोग इसलिए हैं कि राजस्थान सरकार ने जो भर्ती निकाली है 2012 की, अगर नियम से होती तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाती, लेकिन 2018 के गत वर्षों में जो भर्ती हुई उसमें अन्य समाज के लोगों को उन्होंने भर्ती में शामिल कर दिया। उसको परिणाम स्वरूप ये सामने आया कि वाल्मीकि समाज के अलावा जितने भी अदर लोग लगे हुए हैं, कोई ऑफिस में सेट है, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई किसी प्रकार का काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज का व्यक्ति ही काम करता है। अस्थायी कर्मचारी को 6200 रुपये मिलते हैं, जो कि घोर अन्याय है। उसके बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा ये भर्ती आरक्षण से करने की मांग है, इसके खिलाफ हम लोगों की हड़ताल है। और हड़ताल में हम लोगों की मांग यही है कि जो भी भर्ती अगर करेगी सफाई कर्मचारी की, उसमें सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज का ही व्यक्ति लगेगा, ताकि उसका पुश्तैनी काम है उससे मत छीनिए। ये घोर अन्याय हम लोग नहीं सहेंगे, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। आपकी इस हड़ताल के कारण जो शहर में व्यवस्था सही तरह सफाई की नहीं बन पा रही है, जगह जगह गंदगी फैली है, उसके बारे में आपका क्या? उसके बारे में हम यही कहेंगे कि कई लोगों की सोच ये है कि वाल्मीकि समाज के लोग, कई लोग बोलते हैं कि कर्मचारी काम नहीं करता है। आज अजमेर क्या पूरे राजस्थान के लोगों को पता पड़ रहा है कि वाल्मीकि समाज की अहमियत क्या है। वाल्मीकि समाज का व्यक्ति अगर घर में बैठ गया ना, उसके शांत रहने से सिर्फ ये पूरे राजस्थान में ये जो परचम हो रहा है गंदगी का, उसके खाली शांत रहने से हो रहा है। तो आपको पता चलना चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा आवाम को, राजस्थान की आवाम को, कि वाल्मीकि समाज की जो ताकत है इसको आप लोग मत छेड़िए, हमारा जो हक है हमारे से मत छीनिए। कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा हक हमको दे करके हम लोग रह कर रहेंगे, और हमें हमारा हक के हमारा सफाई कर्मचारी की भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। मेरा नाम विजय नंजा, यूनियन उपाध्यक्ष।